नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय को लेके। ये एक प्रश्न है कि जो मैं चाहता हूं क्या वो मुझे मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, फिर ये सोचते हैं कि क्या मैं जो चाह रहा हूं, चाहे मैं पॉलिटिक्स में बड़ा करना चाह रहा हूं, चाहे मैं व्यवसाय में बड़ा करना चाह रहा हूं या बड़ी नौकरी चाह रहा हूं, अब मेरे घर में तो वो स्थितियां नहीं है, उतना पैसा नहीं है, या फिर कह लीजिए कोई बड़े लोगों से मेरा तालमेल नहीं है, क्या उसके बाद भी मुझे कुछ बड़ा मिलेगा। ये ज्यादातर लोगों का प्रश्न होता है कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, मेरे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, फिर क्या मैं बड़े स्तर तक पहुंच सकता हूं या उतना बड़ा मैं काम कर सकता हूं। देखिए, जिन लोगों का सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति, सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति मजबूत होता है, प्रबल होता है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति आराम से हो जाती है। अगर ये कमजोर है, अगर ये तीनों ग्रह मैंने जो बताया आपको, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति, अगर ये कमजोर है तो कहा जाता है कि मेहनत तो खूब कर रहे हैं, वही अपने कामों को छोड़ के सभी काम हो जा रहे हैं। मेहनत खूब कर रहे हैं अपने कामों के लिए, लेकिन उसके अलावा जो काम आप चाह रहे हैं उसके अलावा दुनिया काम हो जा रहे हैं आपके काम को छोड़ के। लेकिन यहां पर एक तर्क मैं ये भी दूंगा, जितने भी बड़े लोग हैं जिनको हम लोग देखते हैं, जिनको हम लोग मानते हैं, चाहे वो राजनेता हों बड़े स्तर के, चाहे वो फिल्म जगत के लोग हों, चाहे वो क्रिकेटर हों, 90% 90% अगर मैं कहूँ, हो सकता उससे ज़्यादा हूँ, लेकिन 90% मैं मान के चल रहा हूँ कि वो अपनी मेहनत पे ही आगे बढ़े। ना वो राजा के घर पैदा हुए, ना रजवाड़े में पैदा हुए, ना फैमिली बैकग्राउंड अगर कहा जाए बहुत बड़ा नहीं था, सिर्फ कर्म भाग्य दो चीज़ें ऐसी हैं जिसका मिश्रण अगर कहा जाए व्यक्ति को सफल बनाता है। और बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहूँगा, भाग्य अगर थोड़ा कमज़ोर भी है, परमात्मा ने मान लीजिए जिस कलम से आपका भाग्य लिखा उस कलम को तोड़ा नहीं, ठीक है, इसके लिए भाग्य को मजबूत बनाने के लिए कर्म करिए, मेहनत करिए, बनेंगे मजबूत। आज का हमारा विषय यही है। आज का विषय है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं सिर्फ अपनी मेहनत पे ही आगे बढ़ते हैं। घर परिवार का सहयोग कह लीजिए, या मैं ये नहीं कहूँगा कि घर परिवार का सहयोग, मैं ये जरूर कहूँगा हो सकता है घर परिवार का सहयोग ना मिले, हो सकता है जो उस अवस्था में घर परिवार ना हो कि जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हैं, जितना धन आप लगाना चाहो, हो सकता है उस परिवार में ना स्थिति हो। कुछ ऐसे योग या रेखाओं पे बात करेंगे जो व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, उन पे बात करेंगे यार, जितनी मेहनत से आगे बढ़ता है, समझिएगा एक एक करके। मैं कुछ बिंदु आपको बताऊंगा, चार पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये हथेली है, हथेली में पहला बिंदु, हथेली में अगर चंद्रमा का हिस्सा, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, और बहुत ज़्यादा अगर कहा जाए कटा फिटा नहीं है, या फिर कह लीजिए इस पर कोई तिल दाग धब्बा विशेष नहीं आ रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। उसके साथ में अगर कहा जाए एक भाग्य रेखा है, जीवन रेखा गोल है, ठीक है, जीवन रेखा गोल है, और बुध के नीचे 4 से 5 रेखाएं हैं। ऐसे लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों को हो सकता है रास्ता दिखाने वाले ना मिले, या फिर ये भी कह सकते हैं कि वो स्थितियां, वो परिस्थितियां ना हो, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपनी रास्ता अपने आप ही बनाएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जीवन रेखा, भाग्य रेखा और बुध के नीचे 3 से 4 रेखाएं, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए इस पर विशेष दाग धब्बा या कटी फटी रेखाएं ना हो। ऐसा भी कहा जाता है कि विवाह के उपरांत व्यक्ति का जीवन स्थायी होता है, ठीक है, किसी के हाथ में है तो देख लीजिएगा, विवाह के उपरांत व्यक्ति का जीवन स्थायी होगा या विवाह के उपरांत, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि विवाह से पहले कुछ नहीं कर सकते, रेखाएं हैं, शुरुआती दौर में खूब मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन अपना खुद बनाएंगे, विवाह के उपरांत जो है चीजें बढ़ेंगी। या फिर दूसरा इसमें एक और तर्क दिया जाता है, विवाह हो गया या कन्या संतान हो गया, अगर कन्या संतान आती है तो उसके उपरांत जो है व्यक्ति और तरक्की करता है।
ये रेखा 90% वाली नहीं है, ये 100% वाली है। मेहनत करना शुरू कर दीजिए, तरक्की मिलेगी। मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि टाटा बिरला अंबानी बन जाएंगे इस रेखाओं को लेके। हो सकता है भाग्य में हो, ऊपर वाले का आशीर्वाद हो, बन भी सकते हैं, लेकिन ये इतना आपको जो है परपक्व बनाएगी और सेल्फ बनाएगी, किसी की आपको मदद नहीं लेना पड़ेगा। ये उसको दिखाती है, ये उसको बताती है। एक दो चीजें देखिए, एक चीज समझिए, जो भी मैं वीडियो बनाता हूं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करिए। शेयर करने का मतलब ये होता है कि इस ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाइए। पहले तो मैं नहीं बोलता था, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले जो है मैं कहीं गया था तो कहने लग गए कि लोगों को याद, एक सज्जन है उन्होंने कहा कि लोगों को याद दिला दिया करिए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। देखा उसके बाद जो है शेयर कर दीजिएगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे तो शेयर करते हैं तो मुझे पता चल जाता है किसने शेयर किया है, क्योंकि उसमें दिखाता है, उसमें दिखाता है किसने किसने शेयर किया है। अगला बिंदु देखिए, अंगूठे पे मैं इस चीज को कई तर्कों में, कई तरीके से मैं पहले बता चुका हूं अंगूठे के ऊपर, ठीक है। इस पे भी एक योग है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहां से अंगूठा मुड़ता है, इस जगह से सभी का अंगूठा मुड़ता है यहां से, और इस जगह पे एक रेखा होती है। इसके और इसके बीच में अगर ये चार रेखाएं हैं, पांच रेखाएं हैं, ठीक है, चार रेखाएं या पांच रेखा, ये हिस्सा जहां से मुड़ता है, इसके ऊपर रेखा है मान लीजिए यहां पर, तो वो अच्छा नहीं है। जहां से मुड़ता है उसके और इसके बीच में, जहां से खत्म होता है उसके और इसके बीच में अगर चार रेखाएं हैं, खुल के मेहनत करिए, जीवन आपका सफल होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। शुरुआती दौर संघर्ष का होगा, बचपना संघर्ष में निकलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आयु बढ़ेगी खूब तरक्की करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर ऐसे लोगों की मेन तरक्की का समय 36-37 वर्ष की आयु के आसपास का होता है, 36-37 वर्ष की आयु के आसपास का। 36 वर्ष हो गया, 42 वर्ष हो गया, 48 वर्ष हो गया, 52 वर्ष हो गया, ये विशेषकर सफलता को दिखाता है कि जिस भी क्षेत्र में हो आप, चाहे आप सरकारी नौकरी में बड़े अधिकारी बनना चाह रहे हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में जो है राजनेता, बड़े स्तर के राजनेता बनना चाह रहे हो, चाहे आप व्यवसाय में भी बड़ा स्तर का काम करना चाह रहे हो, अगर ये है तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। सामान्य घर की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, सामान्य मतलब हो गया मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छे स्तर की बात कर रहा हूं आज। ऐसे लोग अगर कहा जाए, एक शिकायत भी ऐसे लोगों के साथ होती है, अगर ये रेखा है तो घर परिवार हमेशा दुखी रहेगा, घर परिवार हमेशा दुखी रहेगा कि उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दोष है विवाह से संबंधित चीजों के लिए, विवाह में कारण कुछ भी हो सकता है। देखिए विवाह में अगर मैं कहूँ तो दो विवाह के भी संकेत भी ये देता है। मैं इसको स्पष्ट नहीं कहूँगा कि 100% दो विवाह के लिए, लेकिन एक योग, कई चीजें और भी होती हैं उसके आधार पे कहा जाता है भैया दो विवाह के योग हैं आपके हाथ में या दो विवाह होगा। इसके आधार पे अगर कहा जाए उनमें से, उन योगों में से एक योग ये भी है, ठीक है। अगर इस रेखा के साथ और भी रेखाएं, बहरहाल विवाह पे बात नहीं करेंगे आज, खुद की मेहनत पे बात करेंगे, जिसे कहते हैं खुद की मेहनत। तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, अगर अंगूठे पे चार क्रॉस आ रहे हैं, उसके बाद मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में भाग्य रेखा को छूती हुई कोई सूर्य की रेखा की तरफ रेखा जाए, ऐसे लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। शुरुआती दौर में सहयोग करने वाले कम होते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जीवन में विशेष सफलता ऐसे लोग धारण करते हैं या पाते हैं। दो बिंदु हो गए, देखिए बिंदु अगर कहें ये इंपॉर्टेंट बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है, बिंदु तो बहुत है, और ऐसा भी नहीं है कि यही रेखाएं केवल हैं, इसके अलावा कोई रेखा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये तरक्की देने वाले बिंदु हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर ज्योतिष का काम करते हैं तो आपके लिए बेहद फायदेमंद है, शौक रखते हैं तो भी फायदेमंद है, दूसरों का हाथ देखने के लिए। अगर एक रेखा है, जीवन में
सफलता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में ठीक ठाक सा धन होगा, व्यक्ति के पास अच्छी मात्रा में ठीक ठाक सा धन होगा। दो रेखाएं हैं तो ये कहा जाएगा इस रेखा के कारण व्यक्ति के पास धन होगा, इस रेखा के कारण व्यक्ति के पास धन नहीं रुकेगा। ध्यान से समझिएगा, दोनों का अलग अलग तर्क है। एक रेखा धन आएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी रेखा जो धन आ रहा है वो रुकने में दिक्कत, राजाओं वाली, ऐसे लोग राजाओं का जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए राजाओं के समान जीवन यापन करते हैं। अगर तीन रेखा है, कहने क्या, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे लोग अगर मैं कहूँ साथ देने वाले कम मिलेंगे लेकिन जीवन में खूब धन कमाएंगे, ऐसे लोग सामान्य परिवार के नहीं हो सकते। ऐसे लोग अगर कहा जाए अमीर श्रेणी में आते हैं, जीवन में 22 वर्ष, 29 वर्ष, 38 वर्ष, 46 वर्ष, 42 वर्ष की आयु ऐसे लोगों के जीवन में बेहद तरक्की देती है। थोड़ी मोड़ी तरक्की नहीं, और परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन धन खूब आएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये रेखाएं कटी पिटी ना हो, टूटी ना हो। अब ये तीन रेखाएं हैं, मैं बता रहा हूं कि बहुत धनी बनेंगे, बेहद धन होगा आपके पास। अब एक रेखा मान लीजिए इनको काटती हुई चली गई और ये जहां पर गई वहां पर तिल आ गया, या इन रेखाओं के ऊपर तिल आ रहा है तो शरीर से परेशान रहेंगे। पैसा आ रहा है तो वह दवाइयों में चला जा रहा है, मेडिकल में पैसा चला जा रहा है। अगर ये साफ है, ये कटी फिटी टूटी नहीं है, टूटी मतलब ये होता है, कटी फिटी मतलब ये होता है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। और जो भी रेखाएं मैं बता रहा हूं वो 90% नहीं 100% वाली हैं। एक रेखा और मैं बताता हूं, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, सूर्य की एक रेखा हो और शनि चंद्रमा के क्षेत्र से एक बुध की तरफ एक रेखा जाती हो, शनि के नीचे अगर कहा जाए 3 से 4 रेखाएं उसके पोर पे खड़ी हो रही हो। देखिए अगर ये तीन रेखाएं तो भी खूब तरक्की करेंगे। 25 साल से 38 साल मतलब 25 से 38 के बीच में व्यक्ति अच्छी खासी तरक्की कर लेता है। अति साधारण घर से पैदा हुआ, मतलब बहुत निम्न घर में पैदा हुआ हो और खूब तरक्की करके एक धनी व्यक्ति खुद से बनता है। ऐसे लोग वो होते हैं जो अपने पैसों पे अपने जीवन को बढ़ाते हैं, अपने पैसों पे अपनी व्यवस्थाएं करते हैं, अपने पैसों पे बड़ा व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को भी ये दिखाता है। या फिर कह लीजिए अगर नौकरी में भी हैं तो बड़े स्तर तक नौकरी में ये पहुँच जाता है। जो भी रेखाएँ मैंने आज आपको बताई हैं शुरुआती दौर में मेहनत ज़रूर कराएंगी, लेकिन ऐसे लोग मिडिल क्लास के नहीं हो सकते, अमीर की श्रेणी में आते हैं। बस रेखाएं कटी पिटी ना हो, टूटी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और रख लीजिएगा इन रेखाओं को, जितनी भी रेखाएं मैं बताता हूँ। फिर से मैं कहूँगा फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो पेज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कोई आपके जहन में वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो, जो मैंने आज वीडियो बनाया है उससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई रेखा के बारे में नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या किसी अन्य रेखा के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो वो भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अभी के लिए बस इतना ही, परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे, नमस्कार।